नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज है शनिवार। संपूर्ण दिन का हाल आपको हम बताएंगे कि कैसा दिन बीतने वाला है मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों का, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कौन से रंग का प्रयोग करके अपनी राशि अनुसार आप दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, आपको मैं बता देता हूं। मित्रों, इसी के साथ ही चार महा उपाय भी आपको दूंगा, वो भी क्रमानुसार। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र होगा रेवती। चंद्रमा मीन राशि उपरांत मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय आप नोट करिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य है। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, वरना नुकसान हो सकता है। दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर आपको यात्रा करनी है, कोई मजबूरी है, तो ऐसे में भगवान श्री हरि का ध्यान करके आप यात्रा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपका कार्य अथक प्रयास के बाद भी बन नहीं पाया, हर आपका उपाय विफल हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, तो आज का दिव्य महामंत्र आपके कार्य को सफल करेगा। ओम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। ओम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। इस महामंत्र का लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए बात करते हैं आज के शुभ समय की, जो कि आपको निश्चित तौर पर सफलता दिला सकता है। आज का शुभ समय आपको नोट कर लेना चाहिए, सुबह 6 से 7:30 के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करिए, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, हालांकि ये प्रातः काल का समय है, और कोई जरूरी काम आपको करना है तो आप इस समय जरूर करिए। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की समस्या को खत्म करेगा। मित्रों, अगर आपके घर में धन का अभाव है, अथक प्रयास के बाद भी धन नहीं बचा पाए, तो ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करिए और 1.25 किलो आटे में गंगा जल मिलाकर 108 आटे की गोलियां तैयार करिए और मछलियों को खिला दीजिए। ऐसा उपाय आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी पारिवारिक समस्या खत्म होगी, आर्थिक समस्या खत्म होगी और कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आपको हर कार्य की सिद्धि कराएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएगा और यकीनन आपको यह उपाय करना चाहिए। मित्रों, अगर आपके हर कार्य में व्यवधान है, परेशानी है या फिर टेंशन है, थोड़ी सी हरी दूर्वा पर हल्दी का छींटा लगाकर भगवान गणेश को अर्पित करिए और छोटी कन्याओं को मिठाई खिला दीजिए। आज के दिन इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों, अगर लगातार आपको आंखों की समस्या बनी हुई है, आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समान मात्रा में बादाम, मिश्री और सफेद मिर्च अगर आप पीस कर इसका सेवन करते हैं तो आपके आंखों की समस्या कम होगी। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप मधुमेह के शिकार हो चुके हैं, तो यहां पर आप मिश्री का सेवन बिल्कुल ना करिएगा। आइए मित्रों, बात करते हैं उस अचूक सिद्ध महाउपाय की जो हर दुख परेशानी संकट से बचाएगा। मित्रों, अगर बहुत सारी परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, वैसे तो भगवान भैरव स्वयं सिद्ध हैं, उनकी उपासना सर्वोत्तम मानी गई है। दुख संकट परेशानी की बात करूं तो ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करके शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जरूर जलाइए। यह उपाय आप शनिवार और रविवार दोनों दिन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस महाउपाय को अपनाइएगा, हर दुख परेशानी संकट खत्म होगा। तो मित्रों, जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।